नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट बस न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा सा। उत्तर प्रदेश के भदोही में कुछ लोगों के द्वारा बिना अनुमति अंबेडकर प्रतिमा रखे जाने के बाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। ये विवाद उस वक्त पैदा हुआ जब प्रशासन की टीम प्रतिमा को हटाने के लिए पहुंची। इस दौरान कुछ अराजक तत्वों ने प्रशासन की टीम पर पथराव तक कर दिया। इस मामले में पुलिस ने 21 नामजद और कई अज्ञात पर केस दर्ज कर लिया है और 12 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। ये पूरा मामला भदोही कोतवाली क्षेत्र के मुसीलाटपुर गांव का है। बताया जा रहा है कि शनिवार की रात गांव के कुछ लोगों ने खाली पड़ी जमीन पर चबूतरा बनाकर अंबेडकर प्रतिमा स्थापित कर दी। इस जमीन को लेकर एक मामला पहले ही विचाराधीन है। अंबेडकर प्रतिमा रखे जाने की सूचना जब प्रशासन को मिली तो मौके पर पुलिस और राजस्व की टीम पहुंची। प्रतिमा को समझाने बुझाने के बाद हटा दिया गया, लेकिन इस दौरान कुछ अराजक तत्वों ने प्रशासन की टीम पर पथराव कर दिया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी चोटिल हुए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती ने बताया कि ये जमीन सार्वजनिक तालाब की भूमि है, जिसके सीमांकन को लेकर एक मामला भी एसडीएम कोर्ट में है। प्रतिमा हटाने के बाद कुछ अराजक तत्वों ने प्रशासन की टीम पर पथराव किया। मामले में पुलिस ने 21 नामजद और 30 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसमें 12 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अज्ञात लोगों की पहचान कराई जा रही है। मौके पर जो वीडियोग्राफी कराई गई थी उसके आधार पर पथराव करने वाले लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। देखिए, थाना भदोही के अंतर्गत एक गांव है मुंशीलाटपुर, वहां पे एक सार्वजनिक तालाब है जिसकी काफ़ी ज़मीन है। वहां पे मुंशीलाटपुर के कुछ लोगों ने, ग्रामीणों ने, देर रात्रि में इन्होंने एक उस ज़मीन पर अंबेडकर प्रतिमा रख दी। ये जब मॉर्निंग में पुलिस को, प्रशासन को संज्ञान में आया तो इसमें CO, SDM, तहसीलदार और SHO भदोही में फोर्स के लोग गए और जिन लोगों ने प्रतिमा रखी थी उनसे बातचीत करके, वरिष्ठ लोगों से, ये प्रतिमा को हटवा दिया गया। लेकिन जब प्रतिमा हटी तो जो गांव के कुछ शरारती तत्व थे, कुछ महिलाएं थीं, इन्होंने जो है प्रशासन जो वहां पे मौजूद था उनके ऊपर पथराव किया। इसके संबंध में पुलिस ने फिर इनको, कुछ लोगों को खदेड़ा और कुछ लोगों को वहाँ से मौके से अरेस्ट भी किया। इसमें पुलिस की तरफ से एक मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें कुल 11-12 लोगों को अरेस्ट करके आज जेल भेजा जा रहा है। कुछ अज्ञात हैं, उनको भी तस्दीक करके उनकी कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में इस तरह की चीज़ें ना करें। क्योंकि ना तो इस प्रतिमा रखे जाने के संबंध में इन्होंने कोई अनुमति ली थी, ना ग्राम सभा से कोई प्रस्ताव कराया था, और रात के अंधेरे में रख कर उस पर जो है इन्होंने उस ज़मीन के संबंध में भी संभवतः एक सिविल बात भी चल रहा है। तो इस तरह चीज़ें की गई, इस पर इसलिए मुकदमा पंजीकृत किया गया और इसमें आगे कार्रवाई की गई। मौके पर अब शांति है, कोई समस्या नहीं, गाँव में भी बिल्कुल स्थितियाँ सामान्य हैं। क्या पथराव में कोई सरकारी कर्मचारी? 1-2 कांस्टेबल्स को मामूली चोटें आई हैं, हल्की पुल्की चोट आई थी, बाकी और कोई ऐसी स्थिति नहीं है उसमें। स्ट्रीट बस के लिए भदोही से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।